हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022-23 गणित से अनुपात और समानुपात का टाइप टू करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 आरआरबी ग्रुप बी 11/12/2018 शिफ्ट टू में पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात कितना है? 4:3:2 है। आगे देखिए लिखा है 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। नया अनुपात कितना हो जाता है? 2:5:1 हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 54 किलोग्राम की इस धातु में, यानी कि जो आपका दिया गया है धातु, उसमें कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है, यानी कि 4:3:7:2:9। 9 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है? 9 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 54 kg। ये तो क्लियर हो गया, 9 रेशियो का वैल्यू 54 kg दिया गया है। क्वेश्चन में बोला है 54 kg की इस धातु में कितना किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। दैट मीन्स कहने का मतलब जिंक जोड़ा जा रहा है तो कॉपर और निकल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो पहले जैसा ही रहेगा। तो या तो कॉपर को या निकेल को आप समान कर लीजिए, दोनों ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। किसी एक को समान कीजिएगा या कॉपर को या निकेल को, तो दोनों अपने आप समान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम कॉपर को समान कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर आपका 4 है, यहाँ पर कॉपर 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा। और रेशियो के नियम के अनुसार, रेशियो के एक पद में आप जिस कॉन्स्टेंट से गुना करते हैं तो उसके साथ जितना भी टर्म होता है उन सभी के साथ आपको उसी कॉन्स्टेंट से गुना करना होता है। मतलब इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से गुना करना होगा। तो ये 2 × 4, 5 × 10 और 1 × 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर 4 है, यहाँ भी कॉपर 4 हो गया, यहाँ पर निकल 2 है, यहाँ भी निकल 2 हो गया। डेट मीन्स कहने का मतलब जिंक पहले 3 था, अब कितना हो रहा है? 10, यानी कि 3 से 10 हो रहा है। तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 7। तो 9 रेशियो का वैल्यू 54 kg, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ? 54/9। हम बोल सकते हैं 9×6=54, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 6 kg। तो 7 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब 7 × 6, तो हम बोल सकते हैं 42 kg। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 81। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 शिफ्ट 3 में। 169 रुपया को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपये में हिस्सा कितना होगा? यानी कि 169 रुपया को आपको डिवाइड करना है कितना कितना रेशियो में, तो 2:5:6 में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 5, 2, 7, 6, 13 हो गया, टोटल रेशियो में 13 हो गया। यहाँ टोटल कितना है? 169, यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू 169 रुपया दिया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 169/13, यानी कि 13×3=17 से 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 13। अब 2 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 2×13, मतलब इसमें 13 से गुना करना होगा। 5 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 5×13, 6 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 6×13, यानी कि 13×2=26, 13×5=65, 13×6=78। तो 26, 65, 78 कौन सा ऑप्शन दिया है? तो 81 का देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर देखिए 82 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 3 में। ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना लिखा है। ए को कैसे मिल रहा है? तो सी का 5 गुना, मतलब 5 सी हम लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ, यानी कि ए को ही बी का 3 गुना प्राप्त हुआ, इस तरह से दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी और सी को कितना कितना मिला। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये 1 a = 5 c है, तो a/c = 5/1, यानी कि 5:1 हो गया ए और सी का रेशियो। उसी प्रकार से 1 a = 3 b है, तो a/b = 3/1, यानी कि a/b कितना हो गया? तो 3:1। यहाँ से ए को समान कर लेना है, यहाँ पर ए 3 है, यहाँ पर ए 5 है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 1 में भी 3 से गुना करना होगा। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना, तो 1 में भी 5 से गुना करना होगा, यानी कि ये हो गया 15:3 और ये हो गया 15:5। डेट मीन्स ए को हमने समान कर दिया।
अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, तो यहां देखिए ए आपका 15 और बी कितना है, तो बी यहां है, बी आपका 5 है और सी कितना है, तो सी 3 है। तो 15 5 20 और 3 23, टोटल आपका 23 हो गया। और यहां पर कुल कितना दिया है, 1380 को बांटना है, यानी कि 23 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 1380। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1380 बटा 23। 23 छक 138 होता है, यानी कि 60 बार में कैंसिल हो जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 60। तो 15 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 15 × 60 यानी कि 15 में आपको 60 से गुना करना होगा। 5 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 5 × 60। उसी प्रकार से 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 3 × 60 यानी कि 15 × 90, ये आपका 900 हो गया। ये 60 × 5 = 300 और ये 60 × 180, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 82 का देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 धनात्मक संख्या है जिसका अनुपात कितना दिया है आपके प्रश्न में, 3:7:8। अब देखिए क्या लिखा है आगे, और उनके वर्गों का योगफल 7808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या बताना है। तो यहाँ सबसे पहले ये आपका रेशियो में दिया है, इसको निश्चित राशि में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये आपका 3 के, ये 7 के और ये 8 के हो गया, पहली संख्या 3 के, दूसरी संख्या 7 के, तीसरी संख्या 8 के। तो इसके वर्गों का योगफल यानी कि 3k² + 7k² + 8k² ये कितना के बराबर है, तो 7808 हम इसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये 3×9 k² + 7×49 k² + 8×64 k² = 7808। अब ध्यान से देखिए इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 9×9 = 18, 18×4 = 22, 22×6 = 10, 2 = 12 यानी कि 122 k² = कितना हो गया, 7808। आप कैंसिल कीजिएगा तो ये 64 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कि k² = 64, तो k√64 यानी कि k का मान कितना हो गया, 8, 64 का वर्गमूल 8 होता है। दैट मीन्स पहली संख्या आपका कितना था, 3 के, तो 3×8 पहली संख्या कितना हो गया, 24, दूसरी संख्या कितना है, 7 के। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7×8 यानी कि 57, 56। तीसरी संख्या कितना है, 8 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 8×8 यानी कि 64। तो 24, 56, 64 कौन सा ऑप्शन है, 83 का। देखिए 83 का यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, उनमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो आपका 24 हो गया, यही आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सबसे छोटी संख्या 24, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगर जो सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 64 हो जाता, तो जो भी पूछे आप बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 83 के बाद 84, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 17 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है। यहाँ हम लिख देते हैं 3 संख्या का अनुपात क्या दिया गया है आपके प्रश्न में, तो ये दिया गया है 4:3:8। आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो रेशियो में सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 है, यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 42। तो रेशियो में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8, तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा जा रहा है, तो 3 में कितना से गुना करने पर 42 होता है, यानी कि 42/3 यानी कि 3 में हम 14 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसीलिए 8 में भी 14 से गुना करना होगा, तो 14×8 = 112 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5, 5:2 में है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 29/12/2020 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में। 3 संख्या का अनुपात यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं, पहली संख्या अनुपात, दूसरी संख्या अनुपात, तीसरी संख्या, क्या दिया है, ये है 3:5:2, 3:5:2। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निश्चित राशि में कन्वर्ट कर लेना है, मान लीजिए कि ये 3 के है, ये 5 के है और ये आपका 2 के है। क्वेश्चन में दिया है
तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 10290। यहाँ तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3 के गुना 5 के गुना 2 के बराबर कितना 10290। अब थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए तो 3 × 5 = 15 × 2 = 30 या 5 और 2 × 5 = 10, 10 मतलब 10 ये कैंसिल कर सकते हैं और ये 3 से कैंसिल कर लीजिए इसको, तो 3 × 3 = 9 फिर 1 और 2 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9 k × k × k यानी कि k³ = 343। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि k = 343 का घनमूल, और 343 को 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं यानी कि 343 का घनमूल कितना हुआ 7। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चंस में, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कितना है आपका 5k, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो पूछ रहा है तो वो आपका 5k है यानी कि 5 × 7 तो कितना हो गया 35। और अगर जो पूछता है सबसे छोटी संख्या तो आपका 2k हो जाता है यानी कि 2 × 7 = 14। तो 35 कौन सा ऑप्शन दिया है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 पूछा गया है आरआरबी जेई 35/2019 शिफ्ट 3rd में यदि 750 रुपया को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x − 5 / y − 10 / z − 15 = 5 / 4 / 3 हो तो एक्स वाई और जेड का हिस्सा आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको निश्चित राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं यानी कि ये 5k हो गया और ये 4k और ये 3k। हम बोल सकते हैं x − 5 का वैल्यू कितना है 5k, लिख देते हैं भी x − 5 का वैल्यू कितना हो गया 5k। तो यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 5k और ये −5 इधर जाएगा तो +5। उसी प्रकार से y − 10 का मान कितना हो गया, तो ये आपका 4k के बराबर, तो यहाँ पर से हम y बराबर लिख सकते हैं 4k और −10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। उसी प्रकार से z − 15 का वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 3k के बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से z = 3k और −15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। अब आपके प्रश्न में क्या दिया गया है कि 750 रुपया को एक्स वाई और जेड में बांटा गया है, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है आपके प्रश्न में, तो 750 ये आपके प्रश्न में दिया गया है। तो एक्स बराबर भाट, वाई बराबर भाट और जेड बराबर भाट, एक्स वाई और जेड आपसे पूछ रहा है कितना कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम तीनों को जोड़ देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, तो जोड़िए। तो LHS में है एक्स वाई जेड यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और RHS में क्या है 5k + 5 4k + 10 3k + 15, तो 5k + 4k 9k 9k + 3k 12k हो गया प्लस, यहां देखिए 5 10 15 15 30 हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम रख सकते हैं 750, तो 750 बराबर 12k + 30, तो +30 इधर आएगा तो -30 हो जाएगा यानी कि 750 − 30 = 12k। हम लिख सकते हैं 12k बराबर कितना हो गया 750 में से 30 घटाइए तो 720 बचेगा, और 12 × 6 = 72 यानी कि हम बोल सकते हैं कि k का वैल्यू कितना हो गया 60, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो k का मान 60 हम यहां पर रख सकते हैं, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x आपका यानी कि 5 × k का मान 60 रखना है यानी कि 5 × 60 + 5 तो कितना हो गया 60 × 5 = 300 में 5 जोड़ेंगे यानी कि 305 आपका हो गया x का मान। उसके बाद y का मान निकाल लीजिए, तो y क्या है 4k + 10 यानी कि 4 × 60 + 10 तो 60 × 2 = 240 में 10 जोड़ेंगे तो 250, y का मान 250। अब z का मान निकालिए, तो z कितना है आपका 3k + 15 यानी कि 3 × 60 + 15 तो क्या हो जाएगा 60 × 180 में 15 जोड़िए तो 195 यानी कि 305, 250, 195 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 86 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 पूछा गया है आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट 3rd में 117 रुपया की राशि को पी क्यू और आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के बजाय गलती से 2/3 / 4 अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, 117 रुपया को आपको बांटना है। तो यहां पर देखिए सही में बांटना चाहिए था
कितना कितना अनुपात में, तो दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में आपको सही में बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने बांट दिया है कितना में, तो 2/3/4 में। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको आप जो पूर्णांक होता है उस रूप में कर लीजिए, ये तो आपका भिन्न के रूप में रेशियो दिया है तो पूर्णांक के रूप में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी कि 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12, ये 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और ये 4 × 3 = 12, यानी कि 6/4:3 आपका हो गया, ये वाला आपका सही में हो गया। और गलत में क्या है, 2/3:4 ये आपका है जो गलत वाला है। अब ध्यान से देखिए, 117 रुपया का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो सही में कितना कितना पड़ेगा, तो सबसे पहले 6 × 4 = 10 × 3 = 13 हो रहा है, यानी कि रेशियो में टोटल 13 है और यहाँ टोटल कितना है 117, तो 117/13 करेंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेशियो में 6 × 4 = 10 × 3 = 13 कुल 13 हो रहा है, तो 13 रेशियो का वैल्यू 117, तो 1 रेशियो का वैल्यू 117/13 यानी कि 13 × 17 = 100, 1 रेशियो का वैल्यू 9 हो गया, तो 6 रेशियो का वैल्यू 6 × 9, 4 रेशियो का वैल्यू 4 × 9, 3 रेशियो का वैल्यू 3 × 9, यानी कि सही में पहला व्यक्ति को 6/54 रुपया मिलना चाहिए और दूसरा व्यक्ति को 4/36, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति क्यू है, पहला व्यक्ति पी है और तीसरा व्यक्ति आर है, तो उसको 3/27 रुपया मिलना चाहिए, ये सही में। और यहां पर हम लिख देते हैं, आपको पी है, क्यू है और आर है, यही 3 व्यक्ति है, तो पी को सही में मिलना चाहिए 54 रुपया, क्यू को सही में 36 रुपया मिलना चाहिए और आर को सही में 27 रुपया मिलना चाहिए। अब यहां ध्यान से देखिए, गलती से क्या मिल रहा है, तो रेशियो में कुल कितना हो रहा है 2 3 5 4 9, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू 117, तो 1 रेशियो का वैल्यू 117/9 यानी कि 13/17 = 100, 1 रेशियो का वैल्यू 13 हो गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 × 13, 3 रेशियो का वैल्यू 3 × 13, 4 रेशियो का वैल्यू 4 × 13, मतलब 13 × 2 = 26, 33 × 39, 13 × 4 = 52। गलती से पी को 26 रुपया मिल रहा है, गलती से क्यू को 39 रुपया मिल रहा है और गलती से आर को 52 रुपया मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 54 है और यहाँ पर क्या है आपका 26 है, ये आपका क्या लिखा गया है 54 है और ये 26 है, सही में मिलना चाहिए पी को 54 रुपया और गलती से मिल रहा है उसको 26 रुपया, तो ये तो कम हो रहा है, डेट मीन्स कितना कम हो रहा है, तो 54 में से 26 घटा दीजिए, यानी कि 14 में से 6 = 8 और 4 में से 2 = 2, यानी कि 28 रुपया कम मिल रहा है पी को, ये हमने क्या लिखा, पी को 28 रुपया कम मिल रहा है। अब यहां देखिए, क्यू के लिए यानी कि 36 रुपया सही में मिलना चाहिए, लेकिन गलती से क्यू को मिल रहा है 39 रुपया, तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि क्यू को 3 रुपया अधिक मिल रहा है, क्यू को 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, सही में मिलना चाहिए 36 रुपया लेकिन गलती से क्यू को मिल रहा है 39 रुपया, तो 3 रुपया ज्यादा मिल रहा है क्यू को। अब आर के लिए देखिए, यहां पर क्लियरली आपको इस तरह से दिख रहा होगा, तो सही में 27 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन गलती से मिल रहा है 52 रुपया, ये आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो 52 में से 27 घटा दीजिए, यानी कि 12 में से 7 = 5 और 4 में से 2 = 2, यानी कि 25 रुपया अधिक मिल रहा है किसको, तो ये हमने लिखा आर को, यानी कि आर को 25 रुपया अधिक मिल रहा है। अब क्वेश्चंस में देखिए, तो पहला ऑप्शन है पी को 28 रुपया अधिक मिल रहा है, क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, तो पहला ऑप्शन है पी 28 रुपया, यानी पी को 28 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहां पर देखिए पी को 28 रुपया कम मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, बी नंबर ऑप्शन है आर कौमा 27 रुपया, यानी आर को 27 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहां देखिए आर को 25 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर देखिए सी नंबर ऑप्शन आर कौमा 25 रुपया, यानी कि आर को 25 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहां पर आर को 25 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 25 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में एक्स वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं,
आगे देखिए लिखा है, यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात 4:6:5 है। एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात कितना है, तो 4:6:5 है। आगे देखिए क्वेश्चंस में लिखा है, तो जेड को मिली राशि कितनी है, जेड को कितनी राशि मिलती है। तो यहां पर ये आपका क्षमता का रेशियो दिया है, और क्षमता होता है जो मजदूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर 210 रुपया कमाता है तीनों मिलकर, यहां तीनों मिलकर कितना कमा रहा है, तो 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि कुल कितना हो रहा है यहां पर रेशियो में 15, यानी कि 15 रुपया तीनों मिलकर कमा रहा है रेशियो में, और कुल यहां पर दिया है 210 रुपया कमाता है, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 210 रुपया। तो आपसे पूछा है जेड को मिली राशि कितनी है, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा जो पूछा जा रहा है। तो यहां ध्यान से देखिए, 15 रेशियो का वैल्यू 210 है, तो एक रेशियो का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं। यहां पर देखिए हम ऐसे लिखते हैं, 15 रेशियो का वैल्यू 210 दिया है, तो हमें 5 रेशियो का चाहिए, 5 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 रेशियो कैसे आएगा, यानी कि 15 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो इधर भी आपको 3 से भाग देना होगा, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका 70 रुपया हो गया। तो डायरेक्ट यहां पर आप 70 रुपया लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 88 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 210 बटा कितना हो जाएगा 15, और फिर 5 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो 5 से गुना करना होगा इस तरह से, ये आपका जेड का राशि हो जाएगा, यानी कि इस तरह से 5 से 5 किया 15, 3 से 70 किया 210, तो जेड का 70 रुपया हो गया। तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं। हमने क्या यूज किया, 15 रेशियो का वैल्यू 210 रुपया दिया है, तो हमें 5 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 15 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो 5 हमें मिल जाएगा, इसलिए 210 में भी आपको 3 से भाग देना है, तो 70 रुपया आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 शिफ्ट 3 में एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:5:6 के अनुपात में 900 रुपया की राशि वितरित की गई है। यहाँ पर हम अनुपात लिख देते हैं, एक्स वाई और जेड का अनुपात कितना दिया है, 4:5:6, और आगे देखिए प्रश्न में लिखा है, एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा। तो यहां पर रेशियो में एक्स और जेड के बीच कितना अंतर है, 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 2, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और कुल कितना हो रहा है रेशियो में, 4, 5, 9, 6, 15। यहां पर हम लिख देते हैं कुल रेशियो में कितना हो रहा है, तो 15 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है, तो 900 रुपया की राशि, यानी कि 15 रेशियो का वैल्यू 900 रुपया दिया है, तो 15 में कितना से गुना करने पर 900 होता है, यानी कि 15 × 60 900 होता है, या 900 में 15 से भाग दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, यानी कि 15 में 60 से गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा, इसलिए 2 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 में आपको क्या करना है, 60 से गुना करना है, तो 60 × 120 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो 89 का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल आपका 900 रुपया दिया गया है, और यहाँ पर टोटल 6, 5, 11, 4, 15 हो रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या कि x और z के बीच का अंतर, तो 4 और 6 का अंतर 2 है, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 × 6 = 90, और ये 60 × 120, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 90, क्वेश्चन नंबर देखिए 90, आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, अमन अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। तो अनुपात क्या दिया है, अमन अशोक और आलोक के कंचों की संख्या का 7:3:5, 7:3:5, और यहां पर क्या पूछा है, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिलते हैं। तो यहां पर देखिए अशोक को मिल रहा है 3 कंचा और अमन को मिल रहा है 7 कंचा, तो यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितना का है, 4 का, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना होगा, और टोटल आपको दिया गया है 315 कंचे, यहाँ पर टोटल कितना है, 7, 3, 10, 5, 15, यानी कि कुल कितना हो रहा है, तो कुल आपका रेशियो हो रहा है 15, तो 15 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 315, 15 रेशियो का वैल्यू 315 दिया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 315/15, यानी कि 15 × 30, फिर 15 × 15, 15 में 21 से गुना करेंगे तो 315 हो जाएगा।
तो चार में आपको चार रेशियो को भी पूछ रहा है, तो चार गुना 21 यानी कि 84 कौन सा ऑप्शन है, तो 90 का देखिए 84 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। या आप दूसरा अप्रोच भी यूज कर सकते हैं इस तरह से कि टोटल आपको दिया गया है 315 कंचे, यहाँ पर 7, 3, 10, 5, 15 रेशियो में टोटल हो रहा है 15 और क्या पूछ रहा है कि अमन और अशोक के बीच का जो कंचा है उसके अंतर, यानी कि 7 और 3 का अंतर 4 हुआ तो 4 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 से गुना करना होगा, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30 फिर 15 कम 15 21 चौके 84 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 91, क्वेश्चन नंबर देखिए 91, यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जा सकता है, मतलब वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं कोण का अनुपात क्या दिया है आपके प्रश्न में, तो 5:6:7 तो 6×5=11, 7×8 टोटल रेशियो में 18 योगफल हो रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि 18 रेशियो का वैल्यू कितना 180 डिग्री, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 180/18। हम बोल सकते हैं एक रेशियो का वैल्यू 10 डिग्री हो गया, एक रेशियो का वैल्यू 10 डिग्री तो 5 रेशियो का वैल्यू 5×10, उसी प्रकार से 6 रेशियो का वैल्यू 6×10, 7 रेशियो का वैल्यू 7×10 यानी कि ये 50 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 70 डिग्री, तीनों कोण जो आपका है ये 90 डिग्री से कम है, यानी कि कोई कोण 90 डिग्री से कम होता है तो वो आपका न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ये तीनों कोण यहाँ पर है जो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा ऑप्शन दिया गया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर देखिए 92 पूछा गया है आपका, RRB ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 1 में यदि 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2:2/3:3:4 है तो पहला भाग क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है 686 रुपया को पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग में बांटा जाता है और ये चारों भागों का अनुपात 1/2:2/3:3:4 है तो पहला भाग क्या होगा। तो सबसे पहले 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 2, 3, 1, 1 का LCM 6 होगा, मतलब 1/2:6:3:6:4/1:6 ये क्या हो जाएगा 2×3=6 और ये 3×2=6 यानी कि 1×3 तो 3/3:2×2=4 फिर 3×6=18 और ये 4×6=24। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है तो 3×4=7 और यहाँ पर 7 और 8 15, 15 और 4 क्या हो गया 19, 19 का 9 बाकी 1 फिर 2, 1 3 और बाकी 1 4 यानी कि टोटल आपका कितना हो गया 49, ये आपका रेशियो में हो गया कुल 49। यहाँ पर कुल कितना दिया है 686 यानी कि 49 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 686, तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए क्या हो जाएगा 686/49। अब इसके बाद क्या करना है, पहला भाग पूछा है तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 686/49×3 तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पहला भाग किस तरह से निकला तो 686 टोटल दिया है और यहाँ पर टोटल कितना है 49 और पहला भाग पूछ रहा है तो 3 से हमें गुना करना होगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो 49 है जो 7 से कैंसिल होता है तो ये भी 7 से कैंसिल होना चाहिए तो यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 7×9=63 फिर 5×6=57 और ये 7×7=49 कैंसिल हो गया और ये 7 से कैंसिल करेंगे तो 14×7 कितना होता है 98, उसके बाद 14×3=42 यानी कि 42 आंसर हो जाएगा। तो 92 का देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है 42, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर देखिए 93 पूछा गया है, RRB ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 3 में 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5, 5:6 में वितरित किया जाता है, तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए तारा का 4 रेशियो में है और टीना का रेशियो में 6 है तो 4 और 6 का अंतर क्या हो गया 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा जो पूछा जा रहा है। यहाँ पर टोटल दिया है 1000 रुपया और रेशियो में टोटल कितना है 4, 5, 9, 6, 15 यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15 रेशियो का वैल्यू कितना दिया गया है तो 1000 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए क्या हो जाएगा 1000/15, आपसे 2 रेशियो का वैल्यू पूछा है यानी कि
1000 बटा 15 गुना 2 हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं, 3 पचे 15 और 200 पचे 1000, 200 गुना 2 तो 400 बटा 3, 400 बटा 3 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 133 पूर्णांक 1 बटा 3 या 133.33, तो 133.3 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 93 का, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, 156 रुपया को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न में से किस क्रम से रुपया का अनुपात प्राप्त होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। 156 रुपया का आपको किस प्रकार से विभाजित करना है, तो 1:2:4:5 में। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12 टोटल आपका रेशियो में 12 योगफल हो रहा है। यहां पर टोटल आपका कितना दिया है, 156, यानी कि 12 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 156, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 156/12, तो 12 13 कितना होता है, 156, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू हो गया आपका 13। अब 1 रेशियो का वैल्यू 13, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 गुना 13, 4 रेशियो का वैल्यू 4 गुना 13, 5 रेशियो का वैल्यू 5 गुना 13, मतलब सभी में 13 से गुना करना होगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दैट मींस कहने का मतलब 13 गुना 1 13, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 पचे 65, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, 94 का देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, यदि 3 संख्याएं 2:5, 5:7 के अनुपात में है। यहाँ पर 3 संख्या हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, कितना कितना दिया है, तो 2:5, 5:7 में 3 संख्या का अनुपात दिया गया है, और उनका योगफल 280 का आधा है, मतलब योगफल कितना आपके प्रश्न में दिया है, तीनों संख्याओं का योगफल 280 का आधा, यानी कि 280 में 2 से भाग देना है, तो तीनों संख्याओं का योगफल 140 दिया है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, तीनों संख्या का योगफल कितना हो रहा है, तो 7, 5, 12, 2, 14, यानी कि 14 रेशियो का वैल्यू कितना है, 140, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140/14, यानी कि 14 × 4 से 1 रेशियो का वैल्यू 10 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 हो गया, यानी कि 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 10, यहाँ पर लिख देते हैं 1 रेशियो का वैल्यू 10, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 10 यानी कि 20, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितना हो गई, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 20। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग कहने का मतलब सबसे छोटी संख्या 20 है, तो 20 का वर्ग कहने का मतलब 20 का स्क्वायर या 20 × 20 कितना होता है, 400। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का ए नंबर ऑप्शन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 96। क्वेश्चन नंबर देखिए 96, यदि 3 संख्याएं 4:5, 5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 संख्या का अनुपात आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, तो 4:5, 5:7 ये 3 संख्या का अनुपात है, और यहाँ पर तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 320। तीनों संख्याओं का योगफल आपके प्रश्न में दे दिया है 320 है। इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताइए, तो सबसे छोटी संख्या रेशियो में 4 है और सबसे बड़ी संख्या रेशियो में 7 है, तो ये दोनों का योगफल कितना हो रहा है, तो रेशियो में योगफल कितना हो रहा है, यानी कि 4+7 डेट मीन्स कहने का मतलब 11। तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना होगा जो पूछा जा रहा है। यहाँ पर टोटल 4, 5, 9, 7, 16 यानी कि 16 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 320, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 320/16, 16 × 32, 1 रेशियो का वैल्यू 20 हो गया, तो 11 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 11 × 20 यानी कि 220। कौन सा ऑप्शन है, तो 96 का देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5, 5:9, 13 है, तो सबसे बड़े कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर देखिए
तीन अनुपात पांच अनुपात नौ अनुपात तेरह है, तो अनुपात में कुल योगफल कितना हो रहा है, तीन पांच आठ नौ सत्रह और तेरह कितना हो गया तीस, यानी कि तीस रेशियो का वैल्यू 360 डिग्री, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 बटा 30। आपसे क्या पूछा है सबसे बड़ा कोण, तो रेशियो में सबसे बड़ा 13 है यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 से 10 कैंसिल, 12 3 36, 12 गुना 13 बराबर है 44 से, और 12 और 156 156 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 शिफ्ट 1 में, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2:3:7 दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यहाँ पर अनुपात हम लिख देते हैं, त्रिभुज के लिए अनुपात कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, तो 2:3:7 त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, यहाँ तीनों कोणों का योगफल 7 3 10 2 12 हो रहा है, 12 रेशियो का वैल्यू 180, तो एक रेशियो का वैल्यू 180 बटा 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक रेशियो का वैल्यू 180 बटा 12, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का क्या पूछ रहा है रेशियो, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा कोण निकाल लीजिए यानी कि 7 से गुना करना होगा, और 180 बटा 12 सबसे छोटा कोण निकालना है तो 2 से गुना करना होगा, और इसका रेशियो पूछ रहा है आपके प्रश्न में, तो यहाँ पर ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ये यानी कि 7:2। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, या आपको इतना करने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट बोल सकते थे ये आपका सबसे छोटा है ये सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा है यानी कि 7:2 हो जाता है, लेकिन हमें बताना है तो वाई कंसेप्ट बताया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 99 पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 शिफ्ट 1 में, रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करता है, 2:5:7 के अनुपात में निवेश करता है, फिर आगे लिखा है उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 हो जाता है, फिर आगे देखिए यदि गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कुल आय हम निकाल लेते हैं, कुल आय क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यानी कि 2 5 10 और ये 5 3 15 और ये 7 2 14, आपके प्रश्न में क्या दिया गया है, गौरव रितेश से 150 रुपया अधिक कमाता है, यानी कि गौरव और रितेश के आय का अंतर 150 रुपया है, यहाँ पर गौरव और रितेश के आय का अंतर कितना है 5, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है 150 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 बटा 5, हम बोल सकते हैं 30 5 150, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हो गया 30 रुपया। क्या पूछा है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए, कुल आय रेशियो में कितना होगा, तो 15 14 29 और 10 कितना हो गया 39, यानी कि कुल आपका रेशियो में हो गया 39, तो 39 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक रेशियो का वैल्यू 30 रुपया, तो 39 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 39 गुना 30, हम बोल सकते हैं ये 0 9 3 27 के साथ बाकी 2 3 3 9 2 11 1170 रुपया या 1170 रुपया, तो 99 का देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, और बुक वाला मेथड आप देख सकते हैं एक्स मानकर बनाया हुआ रहता है लगभग सभी क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर देखिए 100 आरआरबी एनटीपीसी 28/4/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया है, माने अपने बच्चों अरविंद विनु और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी, यहां हमने लिखा है 2:3:4 है अरविंद विनु और चित्रा के रेशियो, यदि बिन्नू को 51 रुपया प्राप्त हुआ, यहाँ पर बिन्नू को 3 रुपया प्राप्त हो रहा है, मतलब 3 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है आपके प्रश्न में 51 रुपया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी, मतलब चित्रा को कितना रुपया मिला और अरविंद को कितना रुपया मिला, तो आप जानते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू 51 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 51/3 यानी कि 17, तो 3 में 17 से गुना करने पर 51 हो जाता है, इसलिए 2 में भी आपको 17 से गुना करना होगा, तो अरविंद को 34 रुपया मिल रहा है, और यहाँ पर ये 4 रेशियो का वैल्यू मतलब 4 गुना 17, तो 17 4 68 रुपया, इसको 68 रुपया मिल रहा है, तो 34 और 68 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, या 68 और 34, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है 68,34, यानी कि चित्रा को 68 रुपया और अरविंद को 34 रुपया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं टाइप 3 स्टार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 100 तक ही था आपका टाइप 2, टाइप 2 हमने करा दिया 3 भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न,
तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक भी करें, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें और आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं।